दोस्तों, ये फिल्म एक ऐसे मॉन्क के बारे में है जो अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक के एक लड़की से प्यार कर बैठता है, पर क्या उसका ये प्यार उसके लाइफ को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा, आइए जानते हैं। आज की हमारी फिल्म एक मॉन्क की लव स्टोरी के ऊपर आधारित है जिसका नाम है स्प्रिंग समर, फॉल विंटर एंड स्प्रिंग। तो कहानी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन से, जहां हम साउथ कोरिया के यंगसुंग जंगल में एक झील को देखते हैं, जहां झील के ठीक बीचों बीच एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बना होता है। उस मॉनेस्ट्री में एक बुद्धिस्ट गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते हैं जो कि एक छोटा अनाथ बच्चा था। दोस्तों, इस मूवी में ना ही उस ओल्ड मॉन्क का ना ही उस यंग मॉन्क का नाम बताया गया है, इसलिए रेफरेंस के तौर पर हम उस यंग मॉन्क का नाम हैन रख देते हैं ताकि स्टोरी में कोई कन्फ्यूजन ना हो। उस मॉनेस्ट्री में एक गेट था जो कि लकड़ी का बना होता है, और इसमें हैरानी की बात यह थी कि उस दरवाजे के आसपास कोई भी दीवार नहीं था, लेकिन गुरु और शिष्य जब भी यहां से गुजरते थे तो उसी गेट से ही आना जाना करते थे। अब हम गुरु और शिष्य का डेली रूटीन देखते हैं। पहले गुरु उठते हैं और बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, और फिर अपने शिष्य को उठाते हैं, और यहाँ कमरे के अंदर भी एक गेट को देखते हैं जो कि बिना किसी दीवार पर टिका हुआ था। इसके बाद दोनों तैयार होते हैं और एक नाव पर चढ़कर झील के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। ये नाव ही एकमात्र साधन है दोनों मॉन्क को बाहरी दुनिया से जोड़ने का। फिर दोनों मॉन्क बिना किसी दीवार वाली गेट से बाहर निकलते हैं। यहां से गुरु भिक्षा मांगने चले जाते हैं और हैन पहाड़ी चढ़ के जड़ी बूटी इकट्ठा करने चला जाता है। हैन को रास्ते में एक सांप भी दिखता है, लेकिन वो उस सांप से बिना डरे हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है, और वही बने गौतम बुद्ध की स्टैचू से झील को देखने लगता है। कुछ देर बाद दोनों वापस आते हैं और हैन के लाए गए जड़ी बूटी को गुरु देखने लगते हैं और कुछ जड़ी बूटी को निकालकर साइड कर देते हैं और कहते हैं कि यह जहरीला है, जबकि सारी जड़ी बूटी देखने में बिल्कुल एक ही जैसा दिखता है। अब गुरु हैन को उन दोनों पत्तियों के बीच का माइनर डिफरेंस बताते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छी और बुरी चीजों के बीच का चुनाव को बहुत बारीकी से करना होगा, वरना हम कभी भी मारे जा सकते हैं। गुरु की ये शब्द एक मोरल की तरह है, मगर छोटा होने के कारण हैन को इस बात की गहराई समझ नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि हैन एक शाम को झील के बाहर खेलने जाता है, और वहां वह एक झरने के पास जाकर एक मछली, एक मेंढक और एक सांप को पकड़कर उन्हें एक पत्थर से बांध देता है। और जब वो जीव सर्वाइव करने के लिए छटपटा रहे होते हैं, तब ये देखकर हैन को बहुत मजा आता है और वो खूब हंसता है। हैन की ये सब शैतानियां उसके गुरु अपनी आंखों से देख लेते हैं, मगर फिलहाल वो बिना कुछ कहे अपने मॉनेस्ट्री वापस चले जाते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि जब हैन सो रहा होता है तो उसके गुरु चुपके से उसके पीठ पर एक बड़े पत्थर को बांध देते हैं, और जब हैन सुबह उठता है तो उठते टाइम वो अपने शरीर पर उस पत्थर के बोझ को झेल नहीं पाता और दुखी हो जाता है। अब दुखी होकर हैन अपने गुरु को रस्सी खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर गुरु रस्सी खोलने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि कल तो तुमने भी कुछ मासूम जीवों को इसी तरह पत्थर से बांधा था, तब तो तुम्हें उन जीवों के दर्द को देखकर बहुत मजा आ रहा था, तो आज अपने दर्द में तुम्हें वो मजा क्यों नहीं आ रहा। अब ये सब कहने के बाद गुरु हैन से कहते हैं कि जाओ उन जीवों को ढूंढ कर उन्हें पत्थर से आजाद करो जिन्हें तुमने कल बांधा था, उसके बाद मैं तुम्हें इस पत्थर से आजाद करूंगा। अब गुरु की बात मानकर हैन झरने के पास जाता है और उन तीनों जीवों को ढूंढता है जिन्हें उसने कल बांधा था, और जब वो तीनों जीव हैन को मिलते हैं तब तक सांप और मछली मर चुके थे और बस मेंढक बचा होता है, और हैन उसे आजाद कर देता है। यहाँ हैन को अपनी गलती का एहसास होता है और उन मरे हुए जीवों को देखकर वो बहुत रोता है। हैन के लिए ये उसका पहला सबक था, जब उसे इस बात का एहसास होता है कि किसी की जिंदगी की कीमत क्या होती है। यहाँ सीन कट होती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि अब स्प्रिंग खत्म होकर समर आ चुका है और अब हैन एक टीनेजर बन चुका है, साथ ही साथ उसके अंदर भी काफी सारे बदलाव आ चुके थे। एक दिन जंगल में सैर करते हुए वो दो सांपों को इंटीमेट होते हुए देखता है, जिसे देखने के बाद उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मॉनेस्ट्री की तरफ वापस जाते हुए हैन की मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए उसके गुरुजी से मिलने आई हुई थी, पर उन्हें मॉनेस्ट्री का रास्ता मालूम नहीं था। हैन बिना देरी करे माँ और बेटी को अपने गुरु के पास ले जाता है। गुरुजी लड़के का इलाज शुरू करते हैं। उसकी माँ उनसे पूछती है कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। गुरुजी जवाब देते हैं हाँ, लेकिन उसे कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अब वो औरत अपनी बेटी को गुरुजी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़कर अपने घर लौट जाती है। अब क्योंकि हैन ने अपनी लाइफ में पहले किसी लड़की को नहीं देखा था, इसलिए पहली बार अपनी उम्र की एक लड़की को देखकर उसके दिल में खलबली मचती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की के पास जाकर उसे बात कर पाता। वो हमेशा उस लड़की को चुप चुप कर देखा करता था, और एक रात जब वो लड़की सो रही होती है तब उसे चादर उड़ाने के बहाने वो चुपके से उसके कमरे में जाता है और उसे टच करने लगता है। तभी अचानक उस लड़की की नींद खुल जाती है और उसी वक्त वो हैन के गालों पर एक जोरदार चमाट मार देती है। उस सांटे की वजह से हैन को इंस्टेंटली गिल्ट फील होने लगता है और वो उसी वक्त बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर अपने किए के लिए माफी मांगने लग जाता है। हैन को माफी मांगता देख वो लड़की उसके कांधों पर अपना हाथ रख देती है, मानो उसने उसे माफ कर दिया हो। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते हैन के गुरु वहां आ जाते हैं, जिनके आते ही वो लड़की कमरे से बाहर चली जाती है। अब धीरे धीरे मॉन्क की जड़ी बूटियों का असर उस लड़की पर होने लगा था, और पहले के मुकाबले उस लड़की के अंदर काफी फुर्ती भी आ चुकी थी।
एक दिन हैन उस लड़की को अपने साथ बोट पर घुमाने ले जाता है। दोनों पानी में काफी मस्ती करते हैं। दोनों के बीच केमिस्ट्री बनी रही होती है कि तभी वो लड़की हैन को अपने से दूर धकेल कर वहां से चली जाती है, पर दोनों खुद पर ज्यादा दिनों तक काबू नहीं रख पाते हैं और एक दिन झील के किनारे जंगल में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात में भी जब गुरुजी सो रहे होते हैं तब हैन चुपके से उठकर उस लड़की के पास चला जाता है और दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं। अब दोनों को जब भी मौका मिलता तब दोनों जंगल में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट जरूर होते थे। हैन किसी तरह ये टॉप सीक्रेट अपने गुरुजी से छुपाकर रखी हुई थी। एक रात तो दोनों झील के बीचों बीच बोट पर ही अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। दोनों अपने परफॉर्मेंस से इतना थक चुके थे कि वहीं बोट पर ही सो जाते हैं। सुबह वह बोट तैरते तैरते मॉनेस्ट्री के पास आ चुकी थी, जिस पर गुरुजी की नजर पड़ती है। वो देखते हैं कि हैन उस लड़की के साथ लिपटा हुआ घोड़े बेचकर सो रहा है, पर चिल्लाने या गुस्सा करने की बजाय गुरुजी उस बोट की बंद होल को खोल देते हैं, जिससे उस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। इधर बोट में पानी भरने से जब हैन की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि उसके गुरु को सब कुछ पता चल गया है। हैन तुरंत अपने गुरु से माफी मांगने जाता है। उसके गुरु सबसे पहले उस लड़की का हाल पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वह बिल्कुल ठीक हो गई है तब वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। तब हैन बीच में कहता है कि नहीं, ये यहां से नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक पल इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन गुरुजी जबरदस्ती उस लड़की को अपने साथ झील के किनारे तक छोड़ने चले जाते हैं। उस लड़की के जाने के बाद हैन का रो रोकर बुरा हाल हो गया था और अब वो भी फैसला कर लेता है कि वो मॉनेस्ट्री छोड़कर चला जाएगा। और एक रात जब गुरुजी सो रहे होते हैं तब हैन चुपके से उठता है और मॉनेस्ट्री में रखी बुद्ध की मूर्ति को लेकर मॉनेस्ट्री से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि असल में गुरुजी सोए नहीं थे, वो बस सोने का दिखावा कर रहे थे, मगर वो हैन को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। और इसी तरह हैन मॉनेस्ट्री से सन्यासी जीवन को छोड़कर उस लड़की को पाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन की ओपनिंग के साथ ऑटम सीजन आ चुका था। एक बार फिर हम गुरुजी को देखते हैं जो कि पहले से अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। एक दिन गुरुजी को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें वे अपने शिष्य यानी हैन की खबर देखते हैं, जिसे 7 मुल्कों की पुलिस अपने ही वाइफ के कत्ल के जुर्म में ढूंढ रही होती है। उस रात को गुरुजी अपने शिष्य के पुराने कपड़े को अपने हाथों से वापस सिलने लगते हैं, मानो उन्हें यकीन था कि उनका शिष्य उनके पास वापस आने वाला है। और अगले ही दिन वो शिष्य अपने मास्टर के पास लौट आता है। मॉनेस्ट्री पहुंचकर वो सबसे पहले वो बुद्ध की मूर्ति अपने बैग से निकालकर उसे वापस उसकी जगह पर रख देता है। साथ ही साथ वो अपने साथ वो चाकू को भी लेकर आया था जिससे उसने मर्डर किया था। इस बार हम देखते हैं कि हैन का एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल चुका है। पुराना वाला हैन जितना हम्बल था उसके कंपैरिजन में नया वाला हैन बहुत ज्यादा गुस्सेल था और वो अपने ही गुस्से की आग में जल रहा था। गुरुजी हैन को शांत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि बताओ बाहर की दुनिया तुम्हें कैसी लगी। तब हैन बताता है कि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया है क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती थी कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है, मगर एक दिन उसने गैर मर्द के साथ संबंध बना लिया जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब गुरु हैन को समझाते हैं और कहते हैं कि एक दिन तुमने उस लड़की को पसंद किया था और फिर किसी और दिन किसी और ने उसे पसंद कर लिया, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी। कभी कभी हमें उस चीज को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जो हमारे बस में नहीं होती है। ये सब समझाने के बाद भी हैन के अंदर की आग नहीं बुझती और वो अपने किए हुए पाप के चलते सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर गुरु हैन को सुसाइड करने नहीं देते हैं और साथ ही वो हैन की सुसाइड करने की कोशिश के चलते उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे किए हुए पापों के चलते तुम्हें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैन फिर से अपने बालों को काटकर सन्यासी बन जाता है और जब वो मॉनेस्ट्री से बाहर आता है तो देखता है कि गुरु ने जमीन पर प्रज्ञा परमित्र सूत्र को लिख रखा है। गुरुजी हैन को एक टास्क देते हैं कि उसे इन सूत्रों को अपने चाकू से खोदकर जमीन पर उकेरना है। दरअसल गुरुजी के अनुसार प्रज्ञा परमित्र सूत्र पर कुछ देर एकांत में प्रैक्टिस करने से हैन को इनर पीस मिलेगा। और जब हैन गुरु के कहने पर सूत्र की कार्विंग करता है तभी वहां 2 डिटेक्टिव आ जाते हैं जो कि हैन को अरेस्ट करना चाहते थे, मगर यहां हम देखते हैं कि गुरु के कहने पर वो दोनों डिटेक्टिव मॉनेस्ट्री में तब तक रुकने के लिए राजी हो जाते हैं जब तक हैन का कार्विंग का काम खत्म नहीं हो जाता। फिर आगे हम देखते हैं कि हैन बिना रुके पूरी रात कार्विंग करता रहता है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब तक वो थककर वहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह जब दोनों डिटेक्टिव उठते हैं तब वो हैन की हुई मेहनत को देखकर प्रभावित होते हैं और इसके बाद वो दोनों हैन को बिना हथकड़ी पहनाए इज्जत के साथ वहां से ले जाते हैं। मगर जब हैन मॉनेस्ट्री से जा रहा होता है तब हम गुरुजी के पावर का एक छोटा सा नमूना देखते हैं जिसमें गुरुजी नाव को तब तक आगे बढ़ने नहीं देते जब तक हैन पीछे मुड़कर उन्हें अलविदा नहीं कह देता। मानो उन्हें यह बात पता था कि अब उनकी दोबारा अपने शिष्य से कभी मुलाकात नहीं होगी। अपने शिष्य के जाने के बाद गुरुजी को भी लग रहा था कि अब उनका काम पूरा हो चुका है और एक दिन झील के बीचों बीच बोट पर ही बैठकर वो खुद को अग्नि के सामने समर्पित कर देते हैं। उस दौरान हम गुरुजी के आंखों से आंसू निकलते हुए देखते हैं जिसका यह मतलब था कि कहीं ना कहीं वो भी अपने शिष्य को मिस कर रहे थे जो कि हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका था। यहाँ सीन कट होती है और अगले सीन के ओपनिंग के साथ साथ विंटर सीजन आ चुका था जहाँ कई सालों के बाद हैन अपने किए की सजा काटकर मॉनेस्ट्री वापस लौट आया था।
उसे उसके गुरु के कपड़े डेक के दरवाजे के पास पड़े हुए मिलते हैं और वो सर्दी में जमी हुई झील से अपने गुरु की अस्थियों को खोदकर बाहर निकलता है। उन अस्थियों को एक लाल कपड़े में लपेटकर हैन एक बर्फ की बुद्ध मूर्ति बनाता है और उसमें ही वो लाल कपड़ा रख देता है। फिर वो अपने गुरु की सारी किताबों को पढ़ने में लग जाता है और अपने गुरु की तरह जड़ी बूटियों से डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के इलाज को सीखने में लग जाता है। एक दिन एक लेडी जिसने अपने चेहरे को कपड़े में छुपाया हुआ था अपने बच्चे को साथ लेकर उस मॉनेस्ट्री में आती है। रात में वो वहीं रुकती है और जब सब सो रहे होते हैं तो वो चुपके से अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वो लेडी वहां से चली जाती है। पर रास्ते में ही एक गड्ढे में गिर जाने से उस लेडी की मौत हो जाती है। ये वही गड्ढा था जिसे हैन ने अपने गुरु की अस्थियों को बाहर निकलने के लिए खोदा था। अब कहीं ना कहीं हैन भी इस हादसे का जिम्मेदार था, इसलिए उसे खुद पर बहुत घिन आने लगती है। वो इस बात का पश्चाताप करने के लिए अपनी पीठ पर एक पत्थर बांधता है और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू कर देता है, जैसा कि उसके गुरुजी ने उसे बचपन में सिखाया था। यहाँ फिर से सीन कट होती है और अगले सीन के ओपनिंग के साथ एक बार फिर स्प्रिंग सीजन लौट आया था और अब हैन ने उस बच्चे को अपना शिष्य बना लिया था। ये सीन कुछ कुछ वैसे ही है जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखे थे जब हैन 4-5 साल का था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो 4-5 साल का छोटा बच्चा सेम बचपन वाले हैन की तरह काम कर रहा है। ये बच्चा झील के पास जाता है और एक मछली, मेंढक और एक सांप को पकड़कर उनके मुंह में पत्थर डालकर उनकी तकलीफ से मजे लेता है। रिटर्न स्प्रिंग का ये सीन हमें साइकिल ऑफ लाइफ को दर्शा रहा था, जिसमें हमें ये दिखाया जा रहा था कि सब कुछ वापस वैसे ही शुरू हो गया है जहां से यंग हैन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट साइलेंट है और अगर आप इस मूवी की गहराई को समझ पाएंगे तो ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। ये 5 सीजन हमारे जीवन के 5 स्टेजेस को दर्शाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, फिर जब हम एक टीनेजर बनते हैं, फिर जब हम प्यार करते हैं और शादी करते हैं, फिर जब हम बूढ़े होते हैं और आखिर में डेथ। ये मूवी हमारे अलग अलग भावनाओं को भी दर्शाती है, जैसे क्रोध, काम, वासना, दया, हिंसा, पश्चाताप, जिसके अंदर से इंसान खुद को मुक्त नहीं कर पाता है और ये कभी ना खत्म होने वाली जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो ये थी इस खूबसूरत मूवी की पूरी कहानी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।